दोस्तों, हम टीवी पर, न्यूज़पेपर में कुकर ब्लास्ट होने की घटना दुर्घटना की खबरें देखते और पढ़ते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुकर में ब्लास्ट क्यों होता है? कुकर में ब्लास्ट न हो इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हमारी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिससे कुकर में ब्लास्ट होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब बताऊंगी। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। जरूरत से कम पानी डालना। आजकल कई ऐसी रेसिपीज बनाई जाती है जिनको बनाने में बहुत कम पानी की जरूरत होती है। कम पानी में या बिना पानी के खाना बनाने से कुकर भाप ज्यादा बनाता है, जिससे अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और सीटी वाली नोजल उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और कुकर फट जाता है। इसलिए कुकर में खाना बनाते वक्त आवश्यकता अनुसार पानी डालना जरूरी है। कुकर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करना। कुकर में खाना पकने के बाद जब हम गैस बंद करते हैं, तो गैस बंद करने के बाद भी कुछ देर तक कुकर गर्म भाप से भरा हुआ होता है। ऐसे में यदि हम कुकर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे तो दबाव युक्त भाप तेजी से बाहर निकलेगी, जिससे कुकर ब्लास्ट होकर आप जल भी सकते हैं। इसलिए खाना पकने के बाद कुकर को कुछ देर के लिए वैसे ही ठंडा होने दें। फिर ढक्कन खोलने से पहले सीटी को उठाकर कुकर की बची हुई भाप को निकाल लें, फिर ढक्कन खोलें। बी केयरफुल, बी सेफ। कुकर की सफाई बराबर न होना। कुकर का जो ये सीटी वाला भाग होता है उसे वेंट ट्यूब बोलते हैं। यदि कुकर की सफाई बराबर नहीं हुई तो इस वेंट ट्यूब में फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं। तेज आंच के कारण कुकर के अंदर भाप का दबाव बढ़ जाता है। सोचिए, जब भाप अपनी ताकत से ट्रेन के इंजन को हिला सकती है तो ये तो मामूली कुकर है। वेंट ट्यूब जाम होने से गैस को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, जिससे कुकर की सीटी नहीं आती। कुकर की सीटी न आने से हमें रिमाइंडर नहीं मिलता है और हम गैस बंद नहीं करते, इससे कुकर ब्लास्ट होता है। इसलिए कुकर की सीटी को 10-15 दिनों में इस तरह खोलकर उसके हर पार्ट को क्लीन करें। वेंट ट्यूब में भी बीच बीच में निडल डालकर उसको क्लीन जरूर करें। ब्रांडेड कंपनी का कुकर न खरीदना। आजकल मार्केट में ऐसे कई कुकर अवेलेबल है जो ब्रांडेड कुकर की तुलना में आधी कीमत में मिल जाते हैं, लेकिन ये कुकर न ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और न ही ISI मार्क वाले होते हैं। रिसर्च बताते हैं कि कुकर ब्लास्ट होने की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वे ज्यादातर लोकल ब्रांड वाले कुकर में ही हो रही है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमेशा ISI मार्क वाला ब्रांडेड कंपनी का कुकर ही खरीदें। क्षमता से ज्यादा खाना भरना। एक सामान्य नियम के अनुसार कुकर को उसकी कैपेसिटी के 3/4 भाग तक ही भरना चाहिए। यदि कुकर को कैपेसिटी से अधिक भर दिया जाए तो कुकर की वेंट ट्यूब बंद हो सकती है और कुकर फट सकता है। समय समय पर कुकर की रिंग को न बदलना। कुछ लोग जब तक कुकर की रिंग कटफट न जाए तब तक उसे नहीं बदलते। नियम के अनुसार रिंग को 3 महीने में बदलना चाहिए। लगातार इस्तेमाल करने से ये रिंग खिसने लगती है, जिससे कुकर के अंदर भाप का हल्का सा भी लीकेज होने से तेज प्रेशर के कारण कुकर ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ठीक समय पर कुकर की रिंग जरूर बदले। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका कुकर कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।